हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी आप बिकमेदास वेंडर ऐप में पेट एंड फूड स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिकमेदास वेंडर ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अभी ओपन कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक है क्रिएट योर अकाउंट, एक है क्लिक हियर टू लॉगिन। फ्रेंड्स, अगर आप बिकमेदास में नए हैं, आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो आप यहाँ क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर्ड है, आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन पर भी क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट देख सकते हैं। मैं यहाँ क्रिएट योर अकाउंट पर जाती हूँ, ये मैं अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी। देन आपको यहाँ आपका फुल नेम डालना है। देन आपको यहाँ अपनी ईमेल डालनी है। ये मैंने ईमेल एंटर कर दिया। देन आपको यहाँ आपका मोबाइल नंबर डालना है। फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे ही डाल दिया मोबाइल नंबर, आपको आपका पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। आपको देन यहाँ OTP सेंड हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, वो OTP आपको एंटर करना है। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। देन रजिस्टर। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका अकाउंट रजिस्टर। आपको स्टोर लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। आपको यहाँ आपकी शॉप की नेम डालनी है। ये मैंने नेम एंटर कर दिया। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है शॉप की। ये मैंने शॉप की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। देन आपको यहाँ अपनी लोकेशन सेट करनी है। फ्रेंड्स, ये लोकेशन सेट करते टाइम आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। ये मैं सेव दे देती हूँ, आपकी करेंट लोकेशन यहाँ सेव हो जाएगी। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। देन आपकी सिटी एंटर करनी है। आपका एरिया सेलेक्ट करना है। आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको डालना है। फ्रेंड्स, आपका पहला ऑप्शन आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। देन आपका ट्रेड लाइसेंस, देन FSSAI लाइसेंस आपको डालना है। देन आपकी स्टोर की फोटो ऐड करनी है। अब मैं शॉप की फोटो ऐड कर लूंगी। ये हो गई फोटो अपलोड। देन रजिस्टर। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड, आपकी शॉप रजिस्टर हो गई है। देन आपको एक्सप्लोर पेज पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ हर तरह के ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, ऑल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, टोटल प्रोडक्ट, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। देन यहाँ रेड सर्कल में आपको मेंबरशिप डेज 0 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के डेज दिखाई देंगे, यानी कितना बचा है आपका डेज, ये आपको यहाँ शो होगा। देन उसके ऊपर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसमें आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन उसके बगल में आप लोकेशन भी अपनी चेक कर सकते हैं। देन इधर आपको ब्रांड के बगल में थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये अब मैं क्लिक कर लूंगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक ग्रीन कलर लेबल दिखाई दे रहा है एक्टिव का,
अगर आप किसी वजह से छुट्टी पर हैं या शॉप ओपन नहीं कर सकते तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आपने दुकान ओपन रखी है, आप खोल रहे हैं, तो आप एक्टिव कर सकते हैं। देन आपको होम पेज में वही सब कुछ शो होगा। देन यहाँ आपको प्रोफाइल सेट कर लेनी है। प्रोफाइल सेटिंग में फ्रेंड्स आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है डिलीवरी ऑप्शन, एक है पिकअप ऑप्शन। इसमें से आप अगर जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी नहीं दे सकते, आप किसी वजह से होम डिलीवरी नहीं दे सकते, तो आप पिकअप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप डिलीवरी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देन यहाँ आपको हाउ मेनी किलोमीटर सर्विंग, यहाँ आपको आप कितनी दूर तक अपने स्टोर दिखाना चाहते हैं, शॉप दिखाना चाहते हैं, ये आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 10 किलोमीटर। देन आपने डिलीवरी चूज किया हुआ है ऑप्शन, तो आपको यहाँ डिलीवरी पर किलोमीटर डिलीवरी चार्जेस कितना लेंगे, ये आपको यहाँ डालना है। देन अगर आप ज़्यादा खरीदारी पर फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ कितने के बाद आप देना चाहते हैं, ये आपको यहाँ एंटर करना है। ये मैंने कर दिया। देन आपको अपडेट दे देना है। ये हो गई प्रोफाइल अपडेट। देन अगेन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको यहाँ प्रोडक्ट ऐड करना है आपकी शॉप का। प्रोडक्ट नेम, आपको यहाँ सब कैटेगरी ऐड करनी है। देन उसका ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ डालना है। फ्रेंड्स आप जब प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ ब्रैकेट में ये भी डालना है 1 kg। आपको जिस जो सामान बेचना है इसके हिसाब से आपको यहाँ डालना है। जैसे पेडिग्री पैकेट का आता है, तो मैंने यहाँ 1 kg पैक इसे सेट कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। देन ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ डालना है। देन आपको आप कस्टमर को कितने में बेचेंगे, ये आपको यहाँ डालना है डिस्काउंट प्राइस में। देन यूनिट में आपको 1 सेलेक्ट करना है। ये केजी के हिसाब से आता है, तो यूनिट में 1 kg इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। देन स्टॉक में जितने केजी का पैकेट है आप वहाँ यूनिट में डाल सकते हैं। देन स्टॉक में आपके पास कितने अवेलेबल है, ये आपको यहाँ डालना है स्टॉक में। देन आप यहाँ कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। मैंने डाल दिया। देन आपको यहाँ प्रोडक्ट की फोटो डालनी है। देन ऐड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है आपकी शॉप का। प्रोडक्ट एडेड, ओके। देन फ्रेंड्स अगेन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, आप यहाँ अगर आप प्रोडक्ट एडिट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ एडिट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस वगैरह चेंज करना हो तो एडिट ऑप्शन में आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको ऑर्डर्स में हर तरह के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। देन रेटिंग एंड रिव्यू, आप लोगों के बारे में आपकी शॉप की क्या राय है ये रिव्यूज के थ्रू आप जान सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन, आपको आपकी शॉप की सब्सक्रिप्शन करनी है। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो वैसे ही आपको शॉप का भी रिचार्ज करना है। ये 30 डेज का मैं पैक ले रही हूँ।
ये मैंने पेना पर क्लिक कर दिया। आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं वॉलेट से करूंगी। ओटीपी एंटर कर देना है, देन वेरीफाई। ये हो गया, एक्शन कंप्लीट है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फ्रेंड्स आपको यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन डेज दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइब के, और रिमाइनिंग डेज में आपको कितने दिन रिमाइनिंग है ये आपको दिखाएगा। ये हो गया आपकी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आपकी शॉप। देन आपको अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर आए तो आप कैसे से एक्सेप्ट करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। एक प्रोडक्ट बुक करके, इसके लिए मैं कस्टमर ऐप में जाती हूँ और एक प्रोडक्ट बुक करती हूँ। मैंने कस्टमर ऐप ओपन कर लिया फ्रेंड्स, ये शॉप्स ओपन हो गई हैं। इसमें आपको पेट्स एंड फूड्स लेना है। ये हमारी शॉप आ गई है पेट्स एंड फूड। ये मैं प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ। ये सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट, ये कार्ट में सेव हो गया है। देन यहाँ से मैं बुक करूंगी कार्ट से, देन चेकआउट प्राइस आपको यहाँ मिल जाएगा। चेकआउट मैंने पहले ही यहाँ ऑफिस एड्रेस सेव किया हुआ है तो ऑफिस को चूज करूंगी, देन कंटिन्यू। ये हो गया सक्सेसफुली ऑर्डर, ओके। देन आपको अगेन बिग मी द वेंडर ऐप में एक्सेप्ट करने का दिखाऊंगी। आपको यहाँ ऑर्डर्स में आना है, आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप ग्राहक को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और ग्राहक की लोकेशन भी जान सकते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट एक्सेप्ट दे दिया। एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप यहाँ आप कंफर्म ऑर्डर्स में देख सकते हैं, अगर अब एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रोडक्ट ये कंफर्म ऑर्डर्स में आ जाएगा। देन आपने अगर ये डिलीवर कर दिया है या आपने कंप्लीट कर दिया है ऑर्डर, तो आपको यहाँ कंप्लीट पर क्लिक करना है, ये डिलीवर्ड ऑर्डर में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस बिग मी द वेंडर ऐप में रजिस्टर करने का और प्रोडक्ट ऐड करने का। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी शॉप रजिस्टर कर सकते हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।